नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए जबलपुर की प्रमुख थोक सब्जी मंडी कृषि उपज मंडी को जिला प्रशासन के निर्णय लेते हुए सिर्फ रात के लिए खोलने का आदेश दिए थे। पूर्व में कृषि उपज मंडी में व्यापारी रात 11 बजे से 2 बजे तक ही अपना व्यापार किया करते थे, लेकिन अब लगातार कम होते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कृषि उपज मंडी को 24 घंटे के लिए खोल दिया है। साथ ही आज एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक में व्यापारियों को यह निर्देश भी दिए कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही सभी थोक व्यापारी अपना व्यापार करेंगे। साथ ही कोई भी व्यापारी मंडी में फूट का दुकान लगाकर अपना माल बेचेगा तो उस पर माल की जब्ती सहित जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। जिला प्रशासन ने सोमवार में कृषि उपज मंडी को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सब्जी मंडी व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां, आलू प्याज के विक्रेता एवं फल आदि के विक्रेता उपस्थित थे। चूंकि ये थोक मंडी है और कोरोना को देखते हुए इसका प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए इसको रात्रि के समय में स्टार्ट किया गया था। अभी कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और ना के बराबर केसेस प्राप्त हो रहे हैं। व्यापारियों की काफ़ी दिनों से मांग थी कि उनको भी सभी व्यापारियों की तरह दिन में व्यापार करने का मौका दिया जाए। आज बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि सोमवार से मंडी अपने कोरोना पूर्व का जो समय था उसी समय पर प्रारंभ की जाएगी, लेकिन उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। साथ ही साथ फुटकर व्यापार को पूर्ण रूप से हतोत्साहित किया जाएगा। अगर कोई फुटकर व्यापारी वहां दुकान लगाए मिलता है तो उसकी समस्त सामग्री जब्त करके चालान किया जाएगा। यही मुख्य शर्तों के साथ वहां पर दिन में व्यापार को अनुमति दी गई। कब से है ये अनुमति? सोमवार से मंडी अपने पूर्व निर्धारित समय पर चालू। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।